न्यूज 18 राजस्थान के स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। धनतेरस सुख समृद्धि पूरे वर्ष। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का एक विशेष महत्व होता है। धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी, कार्तिक माह की इस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर दोपहर 12:35 से हो रहा है और इसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। ऐसे में धनतेरस का त्यौहार 10 नवंबर को मनाया जाएगा। माना यह भी जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर ही कोई भी खरीदारी की जाती है। खरीदारी से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है। इसलिए धनतेरस का क्या है महत्व, कब करें पूजा, कैसे करें पूजा, बताने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर नीति शर्मा और ज्योति थपलियाल, जिनसे जानेंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो इस पर्व को लेकर हमारे और आपके मन में सहज ही उठते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों ही ज्योतिषी का हमारे इस खास शो में। सबसे पहले मैं डॉक्टर नीति आपसे ये समझना चाहूँगी कि धनतेरस का महत्व क्या होता है, क्यों मनाया जाता है दरअसल धनतेरस? समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी का प्राकट्य समुद्र मंथन के दौरान हुआ था और उनके हाथों में जो कलश था उसके अंदर अमृत था। भगवान धनवंतरी को एक प्रकार से सेलेस्टियल डॉक्टर यानी कि आध्यात्मिक और इस पूरे ब्रह्मांड का चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है और दवाइयों के देवता, आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी को मानते हैं। साथ में माता लक्ष्मी का भी प्राकट्य समुद्र के द्वारा हुआ था, तो माँ लक्ष्मी की कृपा और अच्छे स्वास्थ्य की कृपा भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी के आपको आशीर्वाद से आज के दिन प्राप्त होती है। आज के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ कुबेर जो यक्ष के देवता माने जाते हैं और जो धन के भी देवता माने जाते हैं उनकी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। कुबेर की पूजा से आपके घर में स्थायी वास धन का होना चाहिए आज के दिन। और कुबेर की पूजा में जो विशेष ध्यान रखना होता है कि कुबेर की जो दिशा रहती है वास्तु के अनुसार वो नॉर्थ डायरेक्शन यानी कि आपके घर या आपके कार्यस्थल की उत्तर दिशा में कुबेर का वास अगर आप उनको वहाँ पे स्थापित करते हैं तो निश्चय रूप से आपके घर में धन का आगमन जो है उसका सिलसिला कभी रुकता नहीं है। बिल्कुल। और अब मैं ज्योति जी से समझना चाहूँगी कि धनतेरस सुख समृद्धि पूरे बरस, धनतेरस का महत्व क्या होता है, क्योंकि कुबेर और धनवंतरी की उपासना का ही ये दिन है और इस दिन की उपासना का बहुत महत्व रहता है। तो किस मुहूर्त में हम इस पूजा को शुरू करें, क्या वस्त्र धारण करें, किसका भोग लगाएं, इन सब के बारे में पूरी जानकारी? देखिए, धनतेरस के दिन से दिवाली की जो 5 दिवसीय पर्व है उसकी शुरुआत हो गई है। तो पहले दिन जब धनतेरस की अब शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर हम भगवान धन्वंतरी, जो कि देखिए जब भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था तो उनके हाथ में अमृत कलश है। अमृत कलश आपको जीवन देने वाला है। तो धनतेरस पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि सिर्फ माँ लक्ष्मी से संबंधित नहीं है, भगवान धन्वंतरी जो है वो स्वास्थ्य के देवता है और निरोगी काया। देखिए, सबसे बड़ा आपके लिए धन है निरोगी काया। जब निरोगी काया है तो उसके बाद ही माया का नंबर आता है, क्योंकि आप कितना भी धन कमा लीजिए लेकिन अगर आप का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है। अब देखिए, जो त्रयोदशी तिथि है वो 10 नवंबर को दिन में तकरीबन 12:30 से शुरू हो रही है और 11 तारीख को दिन के 1:57 तक ये चलेगी। ठीक है, तो अगर आपको किसी तरह की खरीदारी करनी है तो खरीदारी करने के लिए 10 तारीख की दोपहर से 11 तारीख की जो सुबह है दिन का समय है, आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन जो धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का पूजन का समय है वो शाम का समय है, जो प्रदोष काल है उसमें पूजा की जाती है। अब प्रदोष काल जो है 10 तारीख को शाम के 5:30 से ये जो समय है ये शुरू हो रहा है और रात्रि 8:08 तक रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप इसको और प्रिसाइज करके जो टाइम है आपका वो है एक खास लगन, स्थिर लगन में जब भी हम किसी चीज़ से पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं तो स्थिर लगन स्थिरता प्रदान करने वाला होता है। तो वृषभ लगन पड़ रहा है आपका तकरीबन 5:45 से 5:45 से लेकर के रात्रि 7:45 तक। अब देखिए, आप जिस शहर में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो आपका पंचांग है
वो ऊपर 2-3 मिनट अब से मान लीजिए लगभग, लेकिन ये जो समय है ये खास समय है जब जहाँ पर वृषभ लग्न पड़ रहा है और इस वक्त पर आप ये देवी उपासना जो है यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे आपने लक्ष्मी गणेश रखे हुए हैं, आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखिए, साथ में आप धन्वंतरी देव हैं उनको स्थापित कीजिए, साथ ही आप कुबेर जो देवता हैं उनको भी रख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल आता है वो ये आता है कि बाजार में आपको भगवान धन्वंतरी की मूर्ति नहीं मिल पाती, अक्सर नहीं मिलती है, क्योंकि लोगों के लिए माँ लक्ष्मी को महत्व है, उनकी जो समझ है उनमें ये फर्क नहीं है कि जो स्वास्थ्य सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो भगवान धन्वंतरी जो है वो माया की दुनिया में कई बार नेग्लेक्ट हो जाते हैं और हमें बाजार में उनकी तस्वीरें नहीं मिलती हैं। तो आपको करना क्या है, आप एक सुपारी लीजिए, उस सुपारी में आप मौली का धागे से सुपारी को आप लपेट दीजिए, ठीक है, और एक चावल की ढेरी लगाकर आप उस एक जो सुपारी है जिसमें आपने मौली बांधी है उसको स्थापित कर दीजिए। इस तरह से आप भगवान धन्वंतरी को अपने मंदिर में स्थापित कर देंगे। स्थापना का समय भी है, मैंने आपको बताया कि वृषभ लगन जो है वो स्थापना का समय है, और वहां पर उस वक्त पर आप इस पूजा को कर सकते हैं, ये आपको घर में सुख समृद्धि प्रदान करने वाली है, ठीक है। और इसके साथ ही आप 13 दिए जो है इस पूजा में आप रखेंगे जो घी के दीपक होंगे, तो उन्हें आप जब पूजा करें तो पूजन में पहली बात जो भी कोई कलश आप खरीद के लाएं, देखिए धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है खरीदारी का। अब बाजारवाद के चलते हुए लोग बहुत सारी चीजें खरीदने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कपड़े भी खरीद लिए, गाड़ी भी खरीद ली, लेकिन धनतेरस के दिन खास तौर पर किसी तरह के कलश, एक मेटल की जो चीज आप घर लेकर आते हैं, क्योंकि आप एक उसे सिंबल की तरह लेते हैं, जैसे भगवान धन्वंतरी कलश के साथ आए हैं वैसे ही वो अमृत कलश आप अपने घर पर स्थापित करेंगे। तो जो भी कोई आप बर्तन आप लेकर आएंगे आज के दिन इस पूजा में रखेंगे, उसमें जल रखेंगे, पूजा के बाद आप उस जल को सभी लोगों को पानी को पीने के लिए देंगे, इस तरह से भगवान धन्वंतरी का जो आशीर्वाद है वो आपके साथ बना रहेगा। बिल्कुल, ओके। अब नीति जी मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि पूजा विधि विधान से शुरू करते हैं तो मंत्र का सबसे ज्यादा विशेष महत्व रहता है, तो जब धनतेरस की हम पूजा करें तो कौन से मंत्र का जाप किया जाए? देखिए सबसे पहली बात है कि पूजा का, क्योंकि यहाँ से जो पंच पर्व हमारे प्रारंभ हो गए हैं तो आज के दिन से एक प्रकार से दिवाली का आगाज पूर्ण रूप से हो गया है। आपको दीपक जलाने चाहिए। 13, धनतेरस का मतलब है 13 की जो संख्या है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जैसे ज्योति जी ने बताया कि कम से कम 13 दीपक। इसी प्रकार से अगर आप नई वस्तुएं भी जो खरीद रहे हैं उसमें भी 13 की संख्या हो, जिसमें बर्तन भी आते हैं, और बर्तन में विशेष रूप से मैं बोलना चाहूंगी कि कांच का बर्तन या फिर एल्यूमिनियम का बर्तन, उसमें राहु का वास होता है, तो एटलीस्ट आज आप कांच के या क्रॉकरी की आइटम्स हैं वो ना खरीदें। अच्छा, जितना हो सके अगर आप इफ योर पॉकेट अलाउस तो सिल्वर बहुत अच्छा रहता है, चांदी का कोई भी बर्तन आप अवश्य लें। जैसे इन्होंने बताया कलश का एक फॉर्मेट जिसमें आप पानी को स्टोर कर सकते हैं, उस किस्म का बर्तन, ग्लास ले सकते हैं, छोटी गड़वी ले सकते हैं, वो अवश्य आज के दिन खरीदें, क्योंकि कई लोग बहुत सिर्फ एक मुहूर्त के कारण ही छोटा छोटा ले लेते हैं, लेकिन कलश अवश्य लें। स्टील का बर्तन आप ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, और कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से एल्यूमिनियम और कांच के बर्तन को आज अवॉइड करना है। पूजा उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि आप दिवाली की या नवरात्रों की पूजा करते हैं, आपका अगर मंदिर है तो वहां पर, नहीं तो घर के उत्तर पूर्वी दिशा ईशान कोण में आप एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं, भगवान गणेश लक्ष्मी या अपनी जो आपकी तस्वीरें हैं अब मंदिर की, उनको आप पंचामृत से स्नान करवाएं, और उसके साथ धन्वंतरी के रूप में जैसे कि या तो सुपारी को, या आप गूगल से एक पिक्चर भी निकाल के उसको फ्रेम आउट कर सकते हैं, आपको भगवान धन्वंतरी की पिक्चर बहुत ईजिली मिल जाएगी, कुबेर की भी पिक्चर बहुत इजीली मिल जाएगी। इसके साथ लक्ष्मी के साथ जो एक और देवी हैं जिनकी आपको पूजा अवश्य आज के दिन भी करनी चाहिए और दिवाली के दिन भी करनी चाहिए, वो है भू देवी। अच्छा। आपकी जो जितनी संपदा है वो आपको माँ पृथ्वी से मिलती है, तो माँ भारती की भी एक तस्वीर आप अवश्य रखें, और भारत में तो वैसे भी हम अपनी मातृभूमि को माँ की संज्ञा देते हैं, तो भू देवी का भी चित्र आप गूगल से निकाल सकते हैं, आप उनके प्रतीक के रूप में नहीं तो एक सुपारी को आप अभिमंत्रित करके चावल के ढेर के ऊपर भी भू देवी के स्वरूप में रख सकते हैं। जो विशेष रूप से मंत्रों का चैंटिंग है, एक तो आपने अगर कोई गुरु मंत्र ले रखा है
उसको तो आपको जपना ही जपना है, ठीक है। लेकिन भगवान धन्वंतरी का बीज मंत्र ओम धन्वंतराय नमः, ओम कुबेराय नमः या ओम श्रीम, जो माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, और जो माँ लक्ष्मी का महामंत्र है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र के जाप से आपका स्वास्थ्य और आपका आर्थिक जो स्तर है वो निश्चय रूप से और अच्छा होगा। एक और उपाय मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, वास्तु का उपाय है, ये आप आज के दिन अवश्य करें। आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर उत्तर पूर्वी दिशा जो है आपके स्वास्थ्य की दिशा है। अगर आपके घर में कोई रोगी है या आप नियमित रूप से कोई दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो आपकी स्वास्थ्य से संबंधित हो या आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, कई बार आपकी सप्लीमेंट्स भी हो या आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट्स हो, उनको आप आज के दिन एक नीले पैकेट में डालकर या एक नीले डब्बे में अपनी दवाइयां स्टोर करके, उन दवाइयों में भगवान धन्वंतरी का छोटा सा चित्र उस डब्बे के ऊपर लगा के आप अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित करें, और आप देखें कि कैसे आपको रोग से निजात मिलती है और कैसे धीरे धीरे आपके दवाइयों का सेवन कम हो जाता है। ये बहुत विशेष उपाय आप आज के दिन करिए, आपको हेल्थ में बहुत बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल, बात बहुत अच्छी बताई, क्योंकि आज का दौर इस तरह हो चुका है कि हर एक नेक्स्ट इंसान कहीं ना कहीं बीमारी से ग्रसित है। अब मैं ज्योति जी आपसे समझना चाहूँगी, राशियों का विशेष महत्व होता है। जब भी कोई त्यौहार होता है तो हमें सोचते हैं कि जिसकी जो राशि हो उसमें वो क्या विशेष पूजन अर्चन करें, तो राशियों के अकॉर्डिंगली किसको क्या करना चाहिए? देखिए, पूजा तो एक ही विधान होता है पूजा का, किसी भी आपकी कोई भी राशि है आप पूजा को एक ही विधि विधान से करेंगे। लेकिन इस पूजा में एक ज़रूरी चीज़ है, जब आप आज के दिन पूजा करेंगे तो आप एक तो बाजार से एक नया झाड़ू खरीद के लेकर आएंगे, उसकी पूजा होती है। साथ में जब आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो साथ ही आप खड़ा धनिया जो होता है, जिसको आप मसालों में इस्तेमाल करते हैं, उसको भी पूजा में रखिएगा। तो जो कोई भी आप पूजा कर रहे हैं आज के दिन आप इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन विभिन्न राशि वाले जो हैं वो विभिन्न तरह के जो धातु हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नीति जी ने बताया कि हम कांच का एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते, उसे आज खरीदना नहीं है, साथ ही लोहे का सामान भी नहीं खरीदते आज के दिन। लेकिन इसके अलावा जो विभिन्न जैसे सोना है, चांदी, अब सोना खरीदना तो पॉसिबल है नहीं लोगों के लिए, इतना सोना खरीद पाएं। अगर आपकी राशि के अनुसार आपके दूसरे घर में यदि गुरु की राशि पड़ती है तो आप जो बर्तन लेकर आएं उसको आप हल्दी से उसका लेपन कर दें, अच्छा आपके पॉकेट पे कुछ भी भारी ना पड़े और आप इस तरह से पूजा अपनी पूरी कर सकते हैं। लेकिन आप जो कोई भी कलश लेकर आएं, बर्तन लेकर आएं, उसमें आप क्या कीमत है वो मत देखिए, जो भाव है ना वो बहुत जरूरी है। तो जो राशियों के लिए पूजा राशियों के अनुसार कभी नहीं होती है, पूजा की हमेशा एक ही विधि होती है, बिल्कुल जो वो आपको बताइए। जी जी, तो मतलब धनतेरस पे आपको कैसे पूजा करनी है, कब करनी है, क्या करनी है और मंत्र कैसे पढ़ना है, ये सब आज हमारे ज्योतिषी जिलों ने बताया। लेकिन अब ये क्योंकि धनतेरस से ही शुरू हो जाता है दिवाली का पर्व, आपने झाड़ू का, लेकिन झाड़ू का वो महत्व क्या होता है, क्यों झाड़ू या धनिया को रखते हैं हम? क्योंकि जब तक महत्व नहीं पता होता है तब तक वो भाव नहीं प्रकट हो पाता है किसी भी शख्स का। देखिए, आपने देखा होगा जब भी झाड़ू, हमारे झाड़ू हालांकि सफाई के काम आता है लेकिन झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखा जाता। जो चीज आपके घर को साफ करती है वो आपके घर से बुराइयों को बाहर कर रही है। आप जब झाड़ू उस चीज से बाहर करते हैं ना तो आप हर चीज को नेगेटिव, आप उसके साथ नेगेटिविटी को भी अपने घर से बाहर कर रहे हैं। तो आपके लिए वो ऊर्जा का बड़ा केंद्र बन जाता है। और दूसरी बात ये कि इस मास में जो हम कार्तिक मास में जो कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, यहाँ पे भगवान पूरा कार्तिक मास दीप दान का पर्व है। इस पूरे कार्तिक मास में हम दीपों का दान करते हैं, ये सिर्फ 13 दीपों की बात नहीं है। आपसे पूरे मास में आप देखिए जितने भी धर्म स्थल है वहां पर दीपों का दान, नदियों में, तालाबों में, मंदिरों में, आप जितने दीप दान कर सकते हैं ना उतना कीजिए। और एक बड़ी बात, आज के दिन एक खास दिया जलता है और वो दिया है आप जो जलाते हैं भगवान यम के लिए। बड़ा सा वो दिया होता जी, है जी। मुझे याद है, तो चौमुखी दिया, मतलब जब आपने 13 दिए जलाए, जैसे आपको नीति जी ने बताया कि किस तरह से हम दिए जला रहे हैं, लेकिन ये जो 13 दिए हैं आपने घर के दो आंगन में रखे, एक आपने तुलसी माता के पास रखा, आपने अपने मंदिर पे रखा, अपने घर के हर किसी
कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। और एक दिया आपने घर के छत पे रख दिया, इस तरह 13 दिए आपने रख दिए, लेकिन एक चौमुखी दिया जिसको आप आटे का दिया है उससे आप बनाएंगे और अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में जो कि यम की दिशा है, वहां पर आप इस दिए को वहां पर प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि आज आप अमरता के जो देव हैं धन्वंतरी उनकी पूजा कर रहे हैं। और सिक्के का दो पहलू ये है कि जो पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना है, और जो मृत्यु का भय है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा भय है। तो आज के दिन उस भय के लिए, उसे दूर करने के लिए कि घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, तो आप ये दिया दक्षिण दिशा में जलाएंगे जी। और ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भरसक लोगों को पर। अच्छा, रंग का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी क्योंकि रक्षाबंधन आया था तो देखा कि किस राशि को कौन से रंग के कपड़े पहन के पूजा करना चाहिए। धनतेरस में भी ऐसा है क्या? देखिए, पूजा में जैसे ज्योति जी ने बताया, राशि के हिसाब से इतना महत्व नहीं होता। पूजा का अपने आप में महत्व बहुत ज्यादा होता है, लेकिन राशि के हिसाब से आपको एक प्लैनेट गवर्न करता है। उस प्लैनेट की ऊर्जा एक पर्टिकुलर कलर में होती है। जैसे कि अगर आपकी राशि मेष है तो उसका जो सिग्निफिकेटर है मंगल है तो उसका रंग लाल है। अच्छा। वृषभ है तो सफेद या सिल्वर है। राशि मिथुन है तो उसका रंग हरा है। राशि कर्क है तो उसका भी अगेन सफेद और सिल्वर है। सिंह है तो आपकी जो सूर्य उदय का जो कलर है, एक राइजिंग सन का ऑरेंजिश कलर, वो आपका रंग है। अगर आपकी राशि कन्या है तो मिथुन की राशि है तो हरा रंग है। वहीं तुला राशि है, शुक्र की राशि है, सफ़ेद या सिल्वर है। वृश्चिक राशि है तो लाल रंग है। अगर धनु राशि है तो गुरु की राशि है, पीला रंग है। अगर मकर और कुंभ राशि है तो शनि की राशि है, काला रंग हम पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसके प्रिय मित्र शुक्र का रंग सफ़ेद या सिल्वर या फिर नीला रंग, या टर्कोइस ब्लू आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर मीन राशि है तो अगेन जुपिटर गुरु की राशि है तो पीला रंग है। अब इन रंगों के अनुसार अगर आप वस्त्र भगवान धन्वंतरी या माता लक्ष्मी या गणपति को अर्पण करते हैं या खुद भी उसी रंग के पहनते हैं और इन्हीं रंगों को थोड़ा सा अपनी मिठाई में या अपनी पूजा में फूलों के रंगों में अगर आप शामिल करते हैं या इन ग्रहों के मेटल्स को आप यूज करते हैं, जैसे गुरु के लिए गोल्ड है, सूर्य के लिए कॉपर है और चंद्रमा के लिए सिल्वर है, तो ऐसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रकार से उस ग्रह की जो आपको गवन कर रहा है उसकी सकारात्मक ऊर्जाओं को आप कहीं ना कहीं आह्वान करते हैं। लेकिन पूजा की विधि सभी राशियों के लिए सेम है और भगवान धन्वंतरी को विशेष रूप से आपको आज के दिन जो है सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। वहीं भगवान कुबेर को आपको पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। और जैसे ज्योति जी ने बताया, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज का दिन माना जाता है वो यम की पूजा के लिए भी माना जाता है। मृत्यु के देवता हैं, इनके लिए आप अगर आज से दक्षिण दिशा में जो आपने दीपक जलाया है, और अगर घर में कोई रोगी है या आप चाहते हैं कि आपका घर जो है वो निरोगी रहे, सारे सदस्य निरोगता को, देखिए जाना सबको है बिल्कुल, लेकिन कष्टदायक ना जाएं, अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए आज से आप एक नियम बनाएं कि ना केवल धनतेरस वाली रात्रि को, आप हर रात्रि को अपने घर के दक्षिण भाग में यम के निमित्त एक चौमुखी दीपक आटे का अवश्य जलाएं, और इस दीपक में जो तेल होगा वो सरसों के तेल का हो, और उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें। अच्छा। जिससे राहु केतु शनि के नकारात्मक प्रभाव अगर आपके घर में बने हुए हैं तो उसका भी क्षीण होता है, नेगेटिव एनर्जी वहां से कम। ठीक है, तो ये जो आटे का दिया आप बता रहे हो ये धनतेरस से लेकर दिवाली तक जला जाता है या सिर्फ धनतेरस के दिन? 365 दिन जलाएं। अच्छा, ओके। 365 में ही बोल रही हूँ कि आप ये नियम बनाइए कि 365 दिन, और दक्षिण दिशा आपके पितरों की भी दिशा होती है बिल्कुल, तो यहाँ से अगर आपके पितर कहीं से अतृप्त हैं हाँ। तो दीप दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है, तो आप यम को और अपने पितरों को एक प्रकार से रोज अगर आप याद करते हैं इस दीपक के माध्यम से, तो निश्चय रूप से आपको बहुत अच्छे फल आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलते हैं। ओके ज्योति जी, सफेद मिठाई और पीली मिठाई तो हो गई, क्या विशेष कोई प्रसाद भी धनतेरस में बनाया जाता है? देखिए माँ, जैसे आपको नीति जी ने बताया, सफेद रंग की मिठाई आपने धनवंतरी दी को चढ़ाई, आप मिठाई बाजार से लेकर आएंगे उनके चढ़ाएंगे अगर आप खुद बना पाए तो और भी बेहतर। अच्छा। और सफ़ेद रंग का कुछ भी, आप अगर खीर चढ़ा सकते हैं भगवान को तो आप खीर बनाइए घर पर, वो चढ़ा दीजिए भगवान कुबेर को। जो आप मिठाई आपने सोचा आप बाजार से लड्डू लेकर आएंगे तो आप घर पर बैठ के बेसन के लड्डू बनाइए। आप जो घर पर बैठ के बनाते हैं, देखिए आपके घर में अगर कोई काम वाला काम करता है और आप
खाना खाते हैं तो उसका भाव आपके प्रति अलग होता है, और अगर आपकी माँ ने खाना बनाया हो और आपको वो खाना खिलाएं तो उसका भाव अलग होता है। तो इस तरह से आप भगवान को जो चढ़ाते हैं उसमें आपका स्वयं का भाव मिला होता है। तो कोशिश करें आप कि आप अपने हाथों से जो बताया गया है, जो नीति जी ने बोला है आपको, जैसे आप भगवान धन्वंतरी को आप सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, और भगवान कुबेर को भी आप चढ़ा सकते हैं पीले रंग का, कुछ भी जो भी आप चढ़ाएं उसे आप घर पर बनाएं। और एक और बात, जैसे अभी नीति जी ने पितरों की बात की, अभी जो पूरा का पूरा ये कार्तिक मास चल रहा है, ये सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं, ये पूरे आप समझिए 12। अब देखिए जैसे आपको नीति जी ने बताया पितरों की बात की, तो ये जो कार्तिक का महीना है ना, ये पूरे 12 महीने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना है। हाँ। इस पूरे महीने में आप देवताओं के नाम का दिया जलाते हैं, साथ में आप पितरों के लिए जितने भी बड़े धार्मिक स्थल हैं आप देखिए वहाँ पर जो दीपदान है वो नदियों में नहीं आकाशों में भी, आप देखिए बनारस में हाँ। दीपों को भेजा जाता है ऊपर, और इसलिए आकाश में कहते हैं कि ये जो समय है ना पूरे कार्तिक मास में आसमान में हमारे पितर जो हैं वो गमन करते हैं। अच्छा। और उनके को रोशनी दिखाने के लिए ये जो पूरा महीना है, इस पूरे महीने में आप दीपों का दान करते हैं। और एक और बात है हाँ। ये जो कार्तिक मास है इसमें सूर्य जो है आपकी नीच राशि अपनी तुला राशि में चले जाते हैं। अच्छा। सूर्य जो कि आपकी आत्मा का कारक है, हमें बल देते हैं, सारे साल भर जिससे आप ऊर्जा लेते हैं, वह सूर्य इस वक्त क्षीण स्थिति में होता है। हाँ। तो आकाश मंडल में जिस तरह के आप दिए जलाते हैं ना, ये आप सूर्य को भी अपनी तरफ से एक हाँ। सांकेतिक बल दे रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पूरा जो महीना है ये सिर्फ ये 5 दिन ही नहीं है, इस पूरे महीने का जो आप प्रयोग है आप दीप दान में कीजिए। और दीप दान हमारे ग्रंथों में बहुत सारे बड़े दानों में से एक दान है। तो आपको ये जो रोशनी के जो पर्व है ना, ये सिर्फ 5 दिन का नहीं है, ये पूरे महीने चलने वाला एक वो है। और जितना आप दीप दान करेंगे, रोशनी का दान करना, उतना आप कोई वीराना स्थान है आप वहाँ जाके दीप जलाइए, सिर्फ मंदिरों में नहीं, मतलब जहाँ तक आप, दिवाली के दिन हम करते हैं चौराहों पे दिए जलाते हैं, वीराने में दिए जलाते हैं, गुरुद्वारों में दिए जलाते हैं, जाकर मंदिरों में चलाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान दीजिए कि पूरा कार्तिक मास है ये धन्वंतरी माँ लक्ष्मी और सिर्फ कुबेर देवता की पूजा के लिए नहीं है, ये आपके स्वयं के उत्थान के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर नीति, क्योंकि दिवाली का मतलब भी होती है साफ सफाई, कोने कोने में हम जाके साफ सफाई करते हैं, तो क्या इसका भी कोई विधि विधान है कि किस तरह से साफ सफाई किया जाए, क्या चीज पोछे में डालें, कैसे करें? देखिए सफाई तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ही है, माँ लक्ष्मी प्रवेश ही नहीं करती है गंदी जगह पर, तो माँ लक्ष्मी आती ही वही है जहाँ सफाई हो, जहाँ बहुत साज सज्जा हो, हम कैसे रंगोली से, पुष्पों से नए पर्दे लगाते हैं, नई अपोस्ट्री लगाते हैं, तो धनतेरस में तो सफाई का विशेष है ही है। जैसे पूजा जी ने बताया माँ लक्ष्मी का प्रतीक झाड़ू को माना जाता है, आज के दिन झाड़ू खरीदना चाहिए, और ईश्वर की कृपा से शुक्रवार को धनतेरस पड़ रहा है हाँ। तो माँ लक्ष्मी का ही दिवस है हाँ। माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः हाँ। जो शुक्र का बीज मंत्र है उसका भी आज चैंट करते हुए आप घर की सफाई करें, और घर के पोचे में विशेष रूप से पोचे के पानी में आप खड़ा नमक या सेंधा नमक अवश्य डालें, क्योंकि नमक में नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब करने की पावर होती है। उसके साथ साथ गौमूत्र और थोड़ा सा चंदन का इत्र, चंदन का इत्र आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से कन्वर्ट करके उसको सकारात्मक में कन्वर्ट करता है, ये अपने आप पोछे के पानी में सफाई के पानी में अवश्य डालें। साथ साथ ये ध्यान रखें कि घर में अगर कोई टूटा कांच पड़ा है हाँ। कांच में राहु का वास होता है, टूटा कांच तो बहुत ही गलत माना जाता है, चाहे आपका शीशा हो, खिड़की का शीशा हो, मोबाइल का कोई कांच हो, घड़ी का कांच हो, उसके साथ टूटे हुए बर्तन हैं, कोई भी किस्म का जंक या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और खराब हो चुका है, उसको आज के दिन घर से बाहर निकालिए हाँ। और कोने कोने की सफाई अच्छे से करिए। बिल्कुल नीति जी, आपने कहा कि चंदन डालना है पोछे में, जब आप पोछा लगाइए, लाल चंदन या पीला चंदन? चंदन का इत्र डालना। अच्छा, इत्र डालना। चंदन की खुशबू महकनी चाहिए आपके घर हाँ। में, और उसके बाद जब सफाई हो जाए तो आप गूगल और लोबान चंदन का पाउडर भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, खुशबू होनी सिर्फ खुशबू, चंदन के पाउडर में भी खुशबू होती थोड़ी होती है, लेकिन हाँ। पोछा क्योंकि लिक्विड है तो आपको अच्छा। लिक्विड फॉर्म में आपको आपको इत्र ही मिलेगा। अच्छा, तो इत्र में ही डालना है। चंदन की लकड़ी को आप वैसे पूजा में आप उसकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन और चंदन की खुशबू वाला आप धूप अगरबत्ती का भी इस्तेमाल करें। लोबान, गूगल, कपूर और लौंग की धुनी आप अवश्य दें, और इस चीज का विशेष ध्यान रखें जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीति जी और ज्योति जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, क्योंकि
जब दिवाली तो वैसे भी हिंदुओं का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है, क्योंकि भगवान राम खुद रावण पर जीत हासिल करके अयोध्या लौटे थे और तभी दीपावली मनाई गई थी पूरे ही नगरवासियों के द्वारा। उसके पहले धनतेरस का भी क्या महत्व होता है, कैसे आप विधि विधान से पूजा करें, क्या पहने क्या ना पहने, कौन सा आप सामने भगवान के सामने क्या आप प्रसाद के रूप में चढ़ाएं, घर के कोने में आप कैसे सफाई करें, क्या क्या चीज़ें बताएं, वो विवरण तरीके से हमारे दोनों ही ज्योतिषियों ने बताया। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम दिवाली के खास करके आप क्या करें क्या ना करें और शोज़ के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।